अनदर ब्लॉग। सो हम हैं अभी नागालैंड के, तो डिस्ट्रिक्ट है मोकोचुंग, विलेज टाउन है चुचू यमलांग में। तो ये विलेज मैंने क्यों स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग, एक्चुअली यहाँ ये वाला गांव जो है यहाँ पे एक हिसाब से कह सकते हो नागालैंड का हिस्ट्री है, इतिहास भरा हुआ है। तो मुझे लगा कि आपको ये दिखाना चाहिए, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने इसके बारे में पता किया और पता चला इन भाई के थ्रू। अपना नाम भैया बताइए। सेंटीमुआ। ओके, तो इन्होंने मतलब ऐसे एक्ट्रेस हम लोग बात करने लगे और भाई ने बताया, तो सच में यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको मतलब अभी मैं तो चर्च पे हूँ, ये चर्च है, बस यहाँ देखने आया था ना, और मैंने सोचा कि यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करता। तो मेरा मेन जो टॉपिक है, गांधी आश्रम फाउंडर है, यहाँ पे एक गांधी आश्रम बना हुआ है ना, तो उसके बारे में अभी टोटली मैं जो भी है इसके बारे में इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक, सच में ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, टोटली जो मेरे ब्लॉग थे उससे ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा नागालैंड के बारे में, तो बने रहिए। तो मैं मतलब मैं ऐसी जगह पे हूँ, एक्चुअली एक भाई मिले थे तो ऐसे ही हम लोग बात होने लगे, और मैं अभी हूँ एक लाइक यहाँ पे गांधी आश्रम हुआ था, इनका नाम है लेंटिना और ठाकरे, जो कि इनके एज होगी ऑलमोस्ट 95 कंप्लीट हो गया। और इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया, रियली वेरी इम्प्रेसिव। मतलब मैं इनसे मिला, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं मतलब एक हिसाब से मैं तो जा रहा था और ये भाई मिला, तो हमसे ऐसे ही बातें होने लगी और बताया, तो अच्छा है भाई। तो हमको ये दिखाना था गांधी आश्रम, ये लिखा नागालैंड गांधी आश्रम है, जो कि 1955 में इसको एस्टेब्लिश किया था। अरे जो गांधी आश्रम है ना, नागालैंड में केवल एक है सबसे, बस पूरे नागालैंड में एक ही पाया जाता है। तो इसकी इतिहास ऐसा कुछ है, मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका है इतिहास, जो कि गांधी आश्रम है। मतलब कह सकते हो ना कि पूरे नागालैंड में एक होना नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, जैसे है अभी दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसा दिखता है बाहर से भी गांधी आश्रम, ये वाला कुछ ऐसा इसको बनाया गया इस तरीके से, और ये है जो इसमें कुछ इसके बारे में लिखा गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जो कि ना इसके जो फाउंडर हैं श्री नटवर ठक्कर जी, और यहाँ पे श्रीमती स्मृति ईरानी भी आई थी, जो को मतलब इनोग्रेशन होता है ना, तो उस टाइप आए थे यहाँ पे। तो ऐसा जो श्री नटवर ठक्कर जी हैं वो गुजरात से थे, जो कि असम के वाया चुमयुन लॉन्ग जो एक गांव है यहाँ पे आए थे। तो मैं अभी पहले उनके बारे में दिखाता हूँ कि इसमें जो गांधी आश्रम में क्या क्या है, और फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ जो कि मुझे जो वही डिटेल मिली है। तो ये सर है नटवर खट्टर जी, इनकी फ़ोटो देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि दिखा देना चाहिए पहले ही। एंड ये इनकी वाइफ, ये कितने सारे देखो, कितने सारे सर के अवार्ड हैं, मैम के अवार्ड हैं, ये देखो इस सर के अवार्ड हैं नटवर जी के, और इसमें मैम को भी इनको, और मैं बताऊँ ना मैम जी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, पद्म क्या होता है, पद्म श्री प्रधान सर को भी मिला है, मैम को भी मिला, ये दोनों देखो, तो कितनी बड़ी बात है भाई, इंडिया के हाईएस्ट सिटीजन के मैं घर पे रुका हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। सो भाई लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी ट्रैवल ब्लॉग के बाद ऐसा थोड़ा हिस्ट्री सा टाइप का ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे लगा कि इस गांव में मैं आया तो मुझे पता चला इनके बारे में, सर के बारे में, जो नटवर सर जी है ना, क्योंकि मुझे लगा कि इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ना जो लोग किसी के लिए कुछ करते हैं, लाइक इस गांव में उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया, लोगों का रहन सहन में मतलब डेवलपमेंट किया, तो इम्प्रूवमेंट किया, तो इसलिए इस गाँव के लिए वो एक हिसाब से कह सकते हो गॉडफादर हैं। तो मुझे लगा कि ये जो अच्छे लोग हैं, कम से कम इनको हम लोगों को प्रमोट तो करना ही चाहिए, और गांधी आश्रम उन्होंने बनवाया और डेवलपमेंट बहुत कुछ कराया, तो आपके में भी कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स टाइप का, तो प्लीज़ पॉलिटिक्स टाइप का कोई भी कमेंट मत करिएगा, क्योंकि जो लोग कुछ हमारे देश या कोई भी किसी भी मतलब कुछ अच्छा करते हैं, तो नॉर्मल सी बात, हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। सो कुछ बाहर से ऐसा दिखता है गांधी आश्रम का व्यू, और ये नागालैंड का वन ऑफ द एक सिंगल गांधी आश्रम है, तो मुझे लगा इसको जरूरी दिखाना चाहिए, और आपको ये वीडियो पूरा दिखना चाहिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और कुछ अच्छे लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। तो अभी तो हम लोग गांधी आश्रम के अंदर इंटर करेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रखा गया है, और ये जो मैम है ना उनकी
नर्सरी नटवर ठक्कर जी की बेटी हैं। तो अभी मैं ये दिखाता हूँ, इनका जो है ना जन्म हुआ था 9 तारीख 10वें 1932 और 7 तारीख 10वें 2018 को इनका निधन हुआ था। सो कुछ ऐसे हैं सच में, कितनी महान शख्सियत हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला। अब तो नॉर्मली से एक वर्ड में समझ लो कि पद्मश्री अवार्ड उसी को मिलता है जो कुछ देश के लिए बहुत ही बड़ा काम किया हो। तो और उसके आगे मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको पिक्चर के जरिए कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा सर के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये जब यंग थे ना तब आए थे यहाँ पे सर, इनकी कुछ यंग की फ़ोटो है। और ये बच्चे लोग हैं, इनको मतलब इन्होंने लाइक जो यहाँ के लोग थे उनका रहना सहना जो होता है डेवलप उनमें उसमें इम्प्रूवमेंट किया था। तो लाइक जब रहते थे वो बच्चे लोग या फिर जो लोग थे यहाँ के वो लोग सही से नहाते नहीं थे या फिर उनका रहना सहना बहुत ही ख़राब था ना। तो कुछ ऐसा है, अभी और भी बताते हैं, अभी तो आपको पिक्चर दिखाते हैं कि सर की। तो ये देखिए एक पिक्चर है, ये मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे। और मैं एक चीज आपको दिखाऊँ, स्मृति ईरानी भी आई थी। देखो इनको तो आप इस टाइम के तो लोग जानते होंगे, यंग जनरेशन के लोग तो नॉर्मल सी बातें जानते होंगे। तो बहुत ही बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पे आ चुके क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम ही किया था ना। तो ये सर हैं हमारे लेट नटवर सर जी। सो अभी मैंने पिक्चर के जरिए थोड़ा समझाने का कोशिश किया आप लोगों को, बट मैं आपको अपने थोड़ा शब्दों से मैं बता देता हूँ कि सर ने ना लाइक इनको मुझे नहीं पता कि YouTube पे लोग जानते कि नहीं या फिर ज़्यादा फेमस है कि नहीं, बट मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए वीडियो और आपको देखना भी चाहिए, और आप ना कि पॉलिटिक्स को यूज करके हो, क्योंकि ये गांधी जी को फॉलो करते हैं। तो आप बहुत लोग होंगे अंधभक्त लोग तो थोड़ा बहुत मे भी कमेंट ऐसा करेंगे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगा कि इनके बारे में बताना चाहिए। और सर रियली यार देखो सर ने क्या क्या काम किया, मतलब लोगों का रहना सहना सुधारा, और यहाँ पे बैंक खुलवाया, SBI का पोस्ट ऑफिस खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाया, और आर्मी को बुला के यहाँ पे जो मेडिकल कैंप नहीं लगवाते हैं ना तो उस टाइप का भाई ट्रीटमेंट भी करा। तो कितना, और यहाँ की सड़कें डेवलपमेंट कराई, सच में जॉब प्रोड्यूस किया, तो सच में बहुत ही इम्प्रेसिव है। और मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ चल के, जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना है NIALAT करके कुछ है, तो उसको भी दिखाते हैं अभी। सो ये है लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हॉल, इसमें मतलब बुक्स वगैरह होती हैं। तो सर दिखाया मैंने ना, अभी तो लॉक पड़ा है तो इसके अंदर मुझे जाने का नहीं जा सकता ना, तो कोई बात नहीं बाहर से ही देख लो, अंदर बहुत सारी किताबें हैं। लाइब्रेरी में नॉर्मल सी बात है किताबें होता है, बट कोई नहीं ये जितना है मैं बाहर से दिखा देता हूँ एक बार। और ये है लाइब्रेरी कम कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सब गांव वालों के लिए है। तो अब देख सकते हैं कितना गाँव में हुआ है डेवलपमेंट। सो अभी हम लोग सर का जो समाधि है ना वो देखने चलेंगे अभी, और गाड़ी रेडी है, मैम ले जा रही है इनको, ये गाड़ी रेडी अपनी, चलते हैं अभी हम लोग देखने। तो ये जो जगह है ना इसमें सर को यहाँ पे जलाया गया था, और इसके अंदर अस्थियाँ हैं ना, इसमें अस्थियाँ हैं, और लाइक इसके इस पे ऊपर पेड़ लगा दिया गया, क्योंकि सर का सपना था ना कि जहाँ पे हमको जलाया जाए और मतलब जो मेरी कब्र हो एक सबसे तो उस पे पेड़ लगा दिया जाए। तो कुछ इस टाइप का है, देख लीजिए आप। ओके उससे मुझे लाइफ में अलग, मैंने फर्स्ट टाइम किसी का जो कब्र होता है उस देखा है, बहुत ही डिफरेंट है, मैंने किसी का भी ऐसा नहीं देखा, सबसे डिफरेंट है सच में। और ये भी है एक, ये रबर का प्लांट है, इसके नीचे भी अस्थियां सर की। और ये जो आपको ग्राउंड टोटली दिख रहा है ना सर ने बनवाया सब ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड है उस साइड, बच्चे खेल रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वो देखो बच्चा आपको दिख रहा है, ये सब फुटबॉल प्लेयर है, वो रेस्टरूम, हाँ टोटली रोस्टरम भी बनाया था, ये जो ग्राउंड दिख रहा है आपको। हाँ ये जो घर है, घर है ये क्या है,
ये अच्छा वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको टोटली लिप्टस दिख रहा है ना, ये सर ने लगवाया था, और उस साइड वो स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है अभी, और ये स्कूल भी सर ने ही स्टार्ट करवाया था यहाँ पे। तो देखा आपने कैसा कैसा भाई, मतलब सच में मैं कभी कभी क्या बहुत ही इम्प्रेस हूँ भाई के, नहीं मतलब जब अगर अच्छा करते हो ना आप कोई लाइफ में कुछ, तो या फिर ट्रेवल करते हो तो आपको ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, सच में मैं बहुत ही खुश हूँ। मतलब सोच के देखो अपने मन में कि जिसको इंडिया का पद्मश्री अवार्ड से नवाजित हो, तो नॉर्मल सी बात को छोटा मोटा तो बात होगा नहीं, ठीक है, बट सॉरी नॉट फैमिली, मतलब उनको फॉलो करते हैं। तो सर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जवाहरलाल नेहरू एंड देसाई जी जो थे। ये बच्चे देखो लोग यहाँ पे फुटबॉल की कर रहे हैं प्रैक्टिस, देखो ये सब बच्चे हैं, तो अच्छा यार। तो आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि इस गांव की डेवलपमेंट के लिए सर ने कितना कुछ किया है, लाइक मैंने आपको दिखाया ही अभी, और अभी कुछ मैं आपको सामने और दिखाऊंगा, जो कि हॉस्पिटल वगैरह या फिर कॉलेज जो यहाँ पे बनवाया है NIT, उसका भी अंदर अगर जाने को मिलेगा तो उसको भी रिकॉर्ड करूँगा। सो ये एक इंस्टीट्यूट है NIELIT, जो कि सर ने ओपन किया था, अब इसको अंदर से देखेंगे हम लोग। और चले NIELIT चुचू यिमलांग का इंस्टीट्यूट, इसमें कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, और कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, अभी स्टूडेंट इसमें पता नहीं आते हैं कि नहीं, मैंने कुछ इतना पूछा नहीं, बट ये कॉलेज हाँ स्टूडेंट है दिख रहे हैं, और अब इसको बाहर से दिखाऊंगा। और हेलो सर, हाउ आर यू, एंड ये तो आपने देखा कि ये इंस्टीट्यूट, बट अंदर से तो नहीं दिखा सकता, जो कि कुछ प्राइवेट प्राइवेसी के हिसाब से, तो आई डोंट नो, बट जो है तो बाहर से दिखा देता हूँ अभी के लिए। आपको दिख रहा है यहाँ के कितनी अच्छी सड़कें हैं, इतनी मतलब यहाँ और मैं किसी गांव के नागालैंड में इतना अच्छा सड़क नहीं देखा है, मतलब है बट यहाँ पे तो बहुत ही बेस्ट है। ठाकरे जो इनकी फोटो है ओल्ड एज की, और ये जो सर है ना, इनके अभी एक्चुअली एक्सपायर हो चुके हैं, तो एंड ये देखो फोटो है इनकी मैम के, और ये प्रेसिडेंट जी हैं, इनको अवार्ड पद्मश्री दे रहे हैं, ये देखो एंड रियली इम्प्रेसिव। तो ये सब अवार्ड्स हैं, देखो कुछ मतलब सर नटवर ठाकर जो इनको हस्बैंड है उनके हैं, कुछ इन मैम के भी, मतलब देखो भाई एक छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं, लाइक देखो मैं एक बहुत ही खुश हूँ यार, और ये गांधी जी के फॉलोअर भी हैं, फर्स्ट गांधी जी के फॉलोअर जो नागालैंड में यहाँ पे हैं, तो हाँ कुछ ऐसा है भाई। सर में देखा सर ने कितना सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट किया इस गाँव में, जो कि और किसी में गाँव में इतना नहीं है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना। मैं तो अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि मतलब मैं सर से मिला या फिर मैम से मिला, सर तो नहीं है सॉरी, बट उनको देखने को पाया, उनके बारे में जानने को पाया, तो मेरे लिए अच्छा है, गर्व की बात है। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर आपको थोड़ा कुछ समझ में आया हो, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।